अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले मैं इस देगची में डालूंगी 1/4 कप ऑयल। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है और अब इसमें मैं डाल दूंगी 5 से 6 छोटी इलायची। इलायची को मैंने थोड़ा सा कूट लिया था और अब मैं इसको फ्राई करूंगी 1 मिनट के लिए, जब तक कि इसका कलर स्लाइटली गोल्डन हो जाए या ब्राउन। इलायची गोल्डन हो चुकी है, अब मैं इसमें डालूंगी 1 किलो गाजरें। गाजरों को मैंने छील के ग्राइंड कर लिया था और अब इसको भी मैं पकाऊंगी 1 से 2 मिनट के लिए। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 किलो दूध। दूध डालने के बाद अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसको मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी, जब तक कि दूध खुश्क हो जाए। जब आखिर में थोड़ा सा दूध बच जाएगा तो फिर मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। ये देखें, यहाँ पे मैंने पूरा दूध खुश्क नहीं किया, थोड़ा सा बच गया है। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी मैंने बस 1.5 टेबल स्पून ली थी और आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही चीनी डालिएगा। चीनी डालने के बाद अब मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी ताकि इसका दूध जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास सिर्फ बादाम और अखरोट ही बचे थे तो मैंने इसमें वो ही डाल दिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।